पांठि आदायरे अनियमितता खणि लिजधारीको अनुकंपा अनुकंपा देखाउछंती राज्य सरकार देखंतु ए सीएजी रिपोर्ट को 119 मामला रे राजस्व बाबद को क्षति होईछि 1462 कोटि 93 लाख टंका सेमति 130 मामला रे 78 लाख रो अनियमितता को मिसाइले 1463 कोटि 71 लाख टंका चुनो लगाइछंती खणि मालिक केवल लुहापथर बाबद रे अनुमति रु अधिक उत्तोलन करबा जगु 456 कोटि राजस्व आनी होईछि सेहिपरि जिला खनिज प्रतिष्ठान डीएमएफ पांठि और जातीय खनिज अनुसंधान ट्रस्ट एनएमईटी निमन्ते राजस्व आदाय क्षेत्र में मध्य व्यापक अनियमितता होईछि खनि विभाग केतक कोइला खनि लीजधारी को अहेतुक अनुकंपा प्रदर्शन करछंती सीएजी रिपोर्ट अनुसार एथिपाई 54.78 कोटि टकर राजस्व क्षति होईछि खनि लीजधारी को सरकार का अनुकंपा कारण एते परिमाण राजस्व क्षति को नहीं सरकार को घेरिछंती विरोधी विजु जनता दलर एकाउंट को सेमाने अधिक राजस्व देवाई तांकठू आणवाई चेष्टा करुछंती एवं डीएमएफ फंड रे सेमाने जो हिसाब रे कलेक्शन करिवा कथा तांको अनुकंपा देखाउछंती एक दुई रे डीएमएफ फंड रो दुर्व्यवहार राज्य सरकार सब बेले करुछंती अनुकंपा बहुत थाए केन्द्र रे मंत्री थिला बेले जेतेबेले से निजे मंत्री थिले सेतेबेले रॉयल्टी विषय रे चिंता कलेनी परे आसिक रॉयल्टी कथा कहिले तेणु रॉयल्टी मिलुची कि नहीं से कथा चिंता नहीं एवं तांकर सबुले अनुकंपा कोल खणी मान प्रति थाए नियम अनुसार खणी अंचल विकास पई गठित डीएमएफ फंड को लीजधारी निज रॉयल्टी रो 30% प्रदान करिवे किंतु अनेक स्थान रे सरकार ए लीजधारी को अनुकंपा देखाइथिबारु से माने कोटी कोटी टंका नदेई फांकी देउछंती केवल राजस्व फांकीबा नुहे बरं विभिन्न स्थान रे बेन होर्डिंग करी कोइला माफिया सरकार को कोटी कोटी टंकार चून लगाउछंती सुंदरगढ़ लईकेला रेलवे साइडिंग पाखरे बंटी डालमियार बेन कोइला होर्डिंग नै अर्गस रे प्रथमे खबर प्रसारण परे 28,900 टन कोइला जबत होइथिला संबलपुर सुरेन्द्र बारिक सह भुवनेश्वर दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज।